जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस रामायण से रामायण का पाठ आपको सुनाएंगे और आप हमारे साथ इसको पढ़ें भी और हमारे साथ आप इसको सुने भी। सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय हो। आज हम शुरू करेंगे बाल कांड से 90 दोहा से रामायण। इसके पहले हम इसके वीडियो बना चुके हैं और इसमें शंकर पार्वती जी के विवाह का उल्लेख है, उसी से संबंधित आप सुनेंगे। ही हर से मुनि बचन सुनी देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल जी के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरुपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पाव सुख पावा मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुर कहो रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वत राज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल जी बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान जी ने बहुत सुख पाना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदन सुनकत सुगरी सुचाई, बेग बेद विधि लगन धाराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल जी ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार ही शीघ्र लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन दीन सुपाती, बाँचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल जी ने वे लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़ कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन पाँची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुताई। सुमन बृष्टि नब बाजन बाजे, मंगल कलश दसऊ दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुरे, बाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करई अक्षरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। शिवई शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि झाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बांगम्बर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असियु बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करति शूली अरु डमरु बिराजा, चले बसे चढ़ी बाजई बाजा। देख शिव ही सुर त्रि मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगिनाही।
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। श्रीजू को देखकर दीवांगनाएं हैं जो मुस्करा रही हैं और कहती हैं कि इस बर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंजी आदि सुरबाता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। विष्णु का असभ्यसी तब बोल सकल दिसराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। लखन सिया राम चंद शंकर हरिओ। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हसी करियो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की ये बरात बर के योग नहीं है, क्या पराय नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन में सुमुस्काई, हर के बिंग बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय गेरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गन टेरे। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के बिंग बचन दिल्ली नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सभी आए, प्रभु पद चलज शीस तिन नाए। नाना बान नाना बेसा, बीसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी जी के चरण कमलों में अपना सिर रखा और तरह तरह की सवारी और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी की बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो कोई किसी के कई हाथ पैर है। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब शब्द सोने सोनित तन भरे। खर सुआन सुअर सकाल, मुख गण बेस अगनत को गने। बहु जिनस पेत पिसाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगनियों की जमातें हैं जिनका वर्णन नहीं कर पाते, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। नाचहीं गावहीं गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहीं वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हुए सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलो तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। हिमा चल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई है।
मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जय लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन शिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगरी सब कहु निवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदी और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तू ना चल गेहा, गाँव ही मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमही गिरी बहु ग्रह संविराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा और लोक सुहाई, ला गई लघ बिरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले से बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा ब्रह्मा की रचना चातुरी थी, यानी कि तुच्छ लगती थी। लघु लागे विधि की निपुणता, और लोकी पूरी शोभा सही। बने बागे कुंभी दड़ांगे सरिता, सुबगे सब सके को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह गह सोई। मनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाता है। जगदम्बा जय उतरी अवतरी, सो पुरु बरन की चाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित, नूतन अधिकाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा जी ने अवतार लिया है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बराती सुनी आई, पुरखर गुरु शोभाधिकाई। करी बनाओ सजीवान नाना, चले लेन सादर अगवाना। बरात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने लोग बनाओ श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजा कर आदर सहित बरात लेने को चले। हिरी हर से सुर से निहारी, हरी देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन संभागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैलादी डरकर भाग चले। धर धीर जु तेरे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहे काय कही जाय न बाता, जम कर थार की तो परियाता। पर बराय बसे असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती है, ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिनी विकट मुख
रजनी जरा। जो जीत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विभाव घर घर बात असी लड़कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है सांप और कपाल की गहने है। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनी और राक्षस है। जो बरात को देखकर जीता पचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर यही बात कही। समूझे महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। बोलिए जय सिया राम। अब आगे की रामायण आप कल के वीडियो में सुनेंगे। बोलिए जय सिया राम।